आप लोग ऑल ब्यूटीफुल सोल्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। एंड जो मेरे चैनल पे यहाँ पर न्यू आए हैं, मैं उनका बहुत ही अपने तहे दिल से स्वागत करती हूँ, और जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं मैं उनका भी बहुत ही वार्म वेलकम करती हूँ। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एंजल्स, एंड आपका इस हमारी फैमिली में, इस कम्युनिटी में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो है मैं यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी की एनर्जी चेक करूँगी कि जो हमारी डिवाइन फेमिनाइंस हैं उनके अभी जो है डिवाइन फेमिनाइंस और डीएम जो हैं दोनों जो हैं सेपरेशन में हैं, तो अभी किस तरह की एनर्जीज चल रही हैं, डिवाइन फेमिनाइंस की क्या एनर्जी चल रही हैं और डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या एनर्जीज चल रही हैं इस अभी के वक्त में, अभी के टाइम पे। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले मैं हमारी जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं मैं उनकी एनर्जी चेक करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो बहुत ज़्यादा पावर में आ चुकी हैं और मुझे बहुत खुशी होती है कि वो जो हैं ग्रो कर रही हैं, अपने आप के ऊपर सेल्फ लव कर रही हैं, अपने आप के लिए इनर वर्क कर रही हैं, अपने आप को ग्रो कर रही हैं, और यही हमारी ज़िंदगी का मकसद भी होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं कि किस तरह की एनर्जीज चल रही हैं। तो मेरे पास यहाँ सबसे पहले जो कार्ड आया है डीएफ के लिए, यानी डिवाइन फेमिनाइंस की पहले एनर्जी हम चेक करेंगे, और उसके बाद फिर मैं डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज चेक करूँगी। तो अभी हम सबसे पहले डिवाइन फेमिनाइन का पहला कार्ड देखते हैं। ये हमारे पास है सिक्स ऑफ सोर्स का, थ्री ऑफ कप्स और नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, द हर्मिट एंड सेवन ऑफ सोर्स, बट इट्स इन अ रिवर्स। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारी डिवाइन फेमिनाइंस थी वो पहले सिचुएशन से भाग रही थी। उनको ऐसा लगता था कि ठीक है, डीएम जो भी कर रहा है वो सब कुछ सहन करती जा रही थी। उनको लग रहा था कि ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दिया जाए और हो सकता है कि सब कुछ अपने आप चेंज हो जाएगा, लेकिन अपने आप कुछ भी चेंज नहीं होता। सब जो है हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं, वो चाहे कोई भी वर्क हो, आपका प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, किसी भी तरीके का हो। तो अभी जो है डिवाइन फेमिनाइन जो थी वो पहले जो है सिचुएशन से भागती थी। उनको ऐसा लगता था कि ठीक है, जैसा चल रहा है उसको चलने दिया जाए, लेकिन अभी ये मेरे पास रिवर्स में आया है। तो रिवर्स में आने का मतलब ये है कि वो सिचुएशन से अब भागना नहीं चाहती, वो हर तरह की सिचुएशन का सामना करने को के लिए अब रेडी हो चुकी हैं। उनको ऐसा लगता है कि अब हम जो है किसी भी तरह की सिचुएशन आए, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वो उसका डट कर सामना करने के लिए रेडी हैं। डिवाइन फेमिनाइन जो है, ये टू ऑफ कप्स का कार्ड है, ये डिवाइन है, डिवाइन इनको ब्लेस कर रहे हैं, और ये ट्विन फ्लेम जर्नी का कार्ड भी होता है बिकॉज इट्स अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। डीएम डीएफ जो होते हैं ये पास्ट लाइफ कनेक्शन होते हैं, सोलमेट होते हैं, और तो जो डिवाइन है इनको ब्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है डिवाइन फेमिनाइन जो हैं वो अपने इनर वर्क के द्वारा, अपने सेल्फ लव के द्वारा, उन्हें भी ये इस बात का जो है पता चल चुका है कि जो है हमारा जो डीएम जो है वो कौन है, और जो है उन्हें ये पता है कि उनकी जो है उनके साथ रिकनसाइल होना है, रीयूनाइट होना है, पर वो जो है अभी वो रेडी हैं, किसी भी तरह की सिचुएशन हो वो उसका सामना करेंगी। उन्हें ये पता तो चल चुका है कि कौन डीएम है उनका, कौन उनका सोलमेट है, उनका जो ट्विन फ्लेम है, सॉरी जो ट्विन फ्लेम है वो कौन है, और उन्हें ये पता है कि ये जो कनेक्शन है ये डिवाइन के द्वारा दिया गया है, लेकिन वो उसे ऐसा नहीं है कि वो उसे किसी भी रूप में एक्सेप्ट कर लेंगी। जब तक कि सिचुएशन सही नहीं होगी तब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइन है
वो इस तरह की एनर्जीज में है अभी, वो काफ़ी नर्चरिंग है, केयरिंग है, उनको लगता है कि वो अपने आप को लव कर रही हैं, सेल्फ लव दे रही हैं, ग्रो कर रही हैं। पेंटिकल्स अबंडेंस में हैं, वो कुछ ना कुछ उन्होंने अपना न्यू वर्क स्टार्ट किया है, न्यू हॉबी स्टार्ट की है, जिस भी तरीके से वो अपने आप को ग्रो कर रही हैं। तो अभी वो जो हैं काफ़ी अच्छी एनर्जीज में हैं, जो हमारी डिवाइन फेमिनाइंस हैं वो जो हैं अपने आप को ग्रो कर रही हैं। तो और द हर्मेट जो है वो हीलिंग का कार्ड होता है, तो अभी इनकी हीलिंग चल रही है और वो भी अपने आप को जो है एनालाइज़ कर रही हैं कि आगे अगर हम इस रिश्ते को बढ़ाते हैं, आगे यूनाइट होता है या रिकनसाइल होता है तो किस तरह की सिचुएशंस आएंगी, किस तरह की सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा, या फिर जो पहले हम लोगों के साथ हुआ, जो पहले हर्ट किया गया, तो कहीं अभी फिर दोबारा इस तरह की एनर्जीज में तो डीएम नहीं आएगा। तो वो जो है काफ़ी कुछ एनालाइज़ कर रही है कि पहले क्या हुआ था, अब आगे सिचुएशन में किस तरह से सही करना है, किस तरह से अपने आप को ग्रो करना है, वो खुद के ऊपर भी वर्क कर रही हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड। सो और वो अभी सेलिब्रेशंस के मूड में है, तो फ्रेंड्स मैंने जैसे बोला कि वो काफ़ी अपने आप को ग्रो कर रही हैं। और जो हमारे जो डीएम हैं, तो अगर हम डीएम की बात करें तो डीएम भी अपनी जो डीएफ है, जो डिवाइन फेमिनाइन है, उनको इस रूप में देख रहे हैं। अब उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो गई है और बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करके इन्होंने अपने इमोशंस पे काफ़ी काबू कर लिया है। अब कोई एग्रेशन नहीं है, अब किसी तरह की जो डिसबैलेंस वाली एनर्जीज होती हैं वो नहीं है। तो आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उनको भी ऐसा लगता है कि आप काफ़ी नर्चरिंग है, केयरिंग है, लविंग पर्सन बन गई हैं और आप काफ़ी ग्रो कर रही हैं। और उनको ऐसा लगता है कि आपका आपका जो फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। उनको अब ऐसा समझ आने लगा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर आ चुकी है अब इस टाइम पे। और अभी जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं वो जो हैं सेलिब्रेशन के मूड में हैं। अभी जो हैं आप अपनी अपने अबंडेंस को, अपनी ग्रोथ को जो हैं आप सेलिब्रेट कर रही हैं, अपने आप को अप्रिशिएट कर रही हैं। एंड जो आपके आसपास के लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो भी उनको भी ऐसा लग रहा है कि या मतलब समथिंग इज़ चेंज, समथिंग इज़ बेटर। अभी उस तरह की जो है आप जो है उस तरह की लो एनर्जीज में नहीं है, आप जो है ग्रो कर रही हैं, अपनी हॉबीज़ पर ध्यान दे रही हैं, अपने आप पर ध्यान दे रही हैं, अपनी हेल्थ पर ध्यान दे रही हैं। दैट इज़ वेरी गुड। और अभी आप सेलिब्रेशन के मूड में हैं, डिवाइन फेमिनाइंस और जितनी भी हैं बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि डिवाइन फेमिनाइंस जो हैं वो ग्रो कर रही हैं। और उन्हें ये भी पता है कि जो है जो भी जिस तरह की भी मूवमेंट होगी वो स्लो होगी और वो काफ़ी होप और पेशेंस के साथ आगे बढ़ रही हैं। वो डिवाइन के द्वारा जो भी मैसेज होते हैं, जो भी एनर्जीज होती हैं, उसे एक्सेप्ट करती हैं और वो आगे ग्रो कर रही हैं। और उन्हें ये भी पता है कि अगर ये रिश्ता आगे ग्रो करता है तो किस तरह की सिचुएशंस का हमें सामना करने के लिए रेडी रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी डिवाइन फेमिनाइंस जो है उनकी एनर्जी। तो अभी मैं देखती हूँ कि डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज क्या कह रही हैं। टू ऑफ वॉन्ट्स, जस्टिस फ्रेंड्स लीब्रा जोडियक साइन वालों के लिए भी होता है। एस ऑफ वॉन्ट्स, बट ये अभी मेरे पास रिवर्स में आया है फ्रेंड्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ट्स, एंड द हाई प्रिस्टेस। सो फ्रेंड्स सबसे पहली जो चीज़ है, जो आपके जो पर्सन हैं वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी सोच रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि इस रिलेशनशिप कर जो भी ये रिलेशनशिप है, ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी की रिलेशनशिप है, और इस पर बहुत ज़्यादा गौर किया जाए
और चीज़ों को आगे कैसे प्रोसीड करना है, कैसे देखना है, तो वो अभी बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं इस बारे में। और उनको ये भी लगता है कि आप उनकी दुनिया है, तो उनको ये एहसास हो चुका है कि ये रिश्ता जो है ये कोई कोई नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है, ये एक डिवाइन के द्वारा दिया गया एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप भी है, जो कि एक हायर मिशन के लिए डिवाइन एंड फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन यहाँ 3D वर्ल्ड में आए हैं। एस ऑफ वॉन्ट्स जो होता है वो न्यू अपॉर्चुनिटी का कार्ड होता है, लेकिन अभी मेरे पास ये जो है ना ये ऐसे रिवर्स में आया है, तो इसका मतलब ये है कि अभी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनके पास नहीं है, वो या फिर उनके पास अभी कोई अगर ऑप्शंस हैं भी, कोई न्यू पर्सन है भी, तो वो अभी नहीं देख रहे हैं, और डिवाइन भी उनका इस चीज़ में साथ नहीं दे रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस मुझे दो चीज़ें बताता है। फर्स्ट तो ये है कि डिवाइन मैस्कुलाइन जो है उनकी हीलिंग चल रही है, ये हीलिंग का कार्ड होता है, तो वो अपनी हीलिंग कर रहे हैं। दूसरा ये होता है कि ये थोड़ा सा सीक्रेट सी का भी कार्ड होता है, तो हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने डिवाइन फेमिनाइन को अभी तक जो है वो डिस्क्लोज नहीं की हैं, तो वो हो सकता है कि आगे जाके वो उन चीज़ों को डिवाइन फेमिनाइन को बताएं, और उनकी हीलिंग जो है वो अभी कंटिन्यू चल रही है। हीलिंग का कार्ड दोनों में था, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन के में भी हर्मिट का कार्ड है, तो हर्मिट भी जो है वो हीलिंग का कार्ड होता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बताता है कि वो काफ़ी एनर्जेटिक है इस टाइम पे, उनमें काफ़ी एनर्जी है और वो न्यू चीज़ों को जो है वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। पेंटिकल्स में भी हो सकता है वो कुछ न्यू जॉब बिजनेस वगैरह के बारे में कुछ सोच रहे हों, और रिलेशनशिप को लेकर अगर हम बात करें डिवाइन फेमिनाइन के साथ, तो काफ़ी अच्छी एनर्जी है और वो काफ़ी मोटिवेट हैं और बिल्कुल एक यंग वाली एनर्जी है, तो वो आगे चीज़ों को प्रोसीड करना चाहते हैं डिवाइन फेमिनाइन के साथ। फोर ऑफ वॉन्ट्स जो है वो हमें ये जो होता है ये मैरिज का कार्ड भी माना जाता है, और ये ट्विन फ्लेम जर्नी का कार्ड भी होता है, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में अभी उनको ये समझ में आ चुका है कि ये जो रिश्ता है, ये जो कनेक्शन है, ये नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ये डिवाइन के द्वारा दिया गया है, क्योंकि अभी जो है जो हमारी जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उनकी जो है हीलिंग चल रही है, और उनको ये समझ में आ चुका है कि ये जो कनेक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा प्योर कनेक्शन है, ये डिवाइन के द्वारा दिया गया कनेक्शन है, ये कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और उन्हें ये पता चल चुका है कि कौन उनकी जो है ट्विन फ्लेम है, कौन उनकी जो है डिवाइन फेमिनाइन है, और वो उनके साथ जो है वो मैरिज करना चाहते हैं। ये डॉग्स हैं, ये लॉयल है, लॉयल भी होते हैं, फ्रेंडली भी होते हैं, जो आपका पर्सन जो है वो काफ़ी लॉयल हैं आपके साथ, और वो चाहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ जो है बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी आगे जो है चल सकती है। उन्हें पता चल चुका है कि आप कौन उनकी डिवाइन फेमिनाइन है, किससे डिवाइन ने उनके लिए बनाया है, तो वो चाहते हैं कि वो इस तरह की एनर्जी में आए कि वो एक वो चीज़ों को सही ढंग से प्रोसीड करते हुए वो उनके साथ जो है लाइफ को स्पेंड करने के लिए जो भी चीज़ें करनी है वो आगे प्रोसीड करना चाहते हैं। जस्टिस, तो जस्टिस हमें यहाँ पर ये बताता है कि जो डिवाइन मैस्कुलाइन है अभी उनकी इस तरह की एनर्जी है कि उनका ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने डिवाइन फेमिनाइन के साथ बहुत ही बुरा किया है, मैंने उन्हें काफ़ी हर्ट किया है, उनके इमोशंस को नहीं समझा, उनकी फीलिंग्स को नहीं समझा है, और हम डिवाइन मैस्कुलाइन से जो है उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो चुकी हैं, अभी वो चाहते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन जो है उनको जस्टिस दिया जाए, उनको जस्टिस मिले, और ये जो हमारे जो डिवाइन है, डिवाइन भी यही चाहते हैं कि जो डिवाइन फेमिनाइन जो हैं उनको उनके कर्मों के आधार पर जो है जस्टिस दिया जाए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक। आई होप यू लाइक इट एंड काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर कोई भी ट्विन फ्लेम जर्नी अगर वो कंफ्यूज है कि क्या वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं है,
तो आप जो है मुझसे एक टैरो रीडिंग के द्वारा ये पता कर सकते हैं, मैं आपको बता सकती हूँ कि क्या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या ये सिर्फ आपको लग रहा है। तो आप मुझे यहाँ इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं यूट्यूब पर, या मुझे मेल कर सकते हैं deepikakorotania185@gmail.com, या फिर आप मुझे दीपिका मेडिटेशन पावर मेरा फेसबुक मैसेंजर है, आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। और काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड एंड सेव वाटर एंड सेफ इन योर होम। थैंक यू।